बिस्मिल uh, रहीम uh, मेरा नाम प्रोफेसर महमूद आज है और प्रोफेशनली आई एम ए सर्जन और uh, इस वक्त मैं किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के तौर पर किंग एडवर्ड की अंदर खिदमत अंजाम दे रहा हूँ आज के इस दिन के मौके पर मैं हसाम मेडिकल सर्विसज़ को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ क्योंकि वो अपनी एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च कर रहे हैं पब्लिक सर्विस के लिए देखें जब किसी मरीज़ को आ, किसी बीमारी का सामना होता है तो उसके लिए दो चीज़ें जो नहाँ नहाँ है ना नहायत अहम होती हैं पहली कि वो किस डॉक्टर से रबता कायम करें और देखें डॉक्टर्स के जो लवाकिन होते हैं उनको तो ये फैसिलिटी शायद अवेलेबल होती है वो अपने डॉक्टर रिश्तेदार से पूछ लेते हैं लेकिन जनरल पब्लिक में ये बहुत बड़ी मुश्किल का उनको सामना करना पड़ता है कि उनको ये मालूम नहीं होता कि हमारी हमारी बीमारी है क्या और इस बीमारी के लिए हमने किस डॉक्टर से राता कायम कर तो इस मोबाइल एप्लीकेशन के ज़रिए जो है ना ये रहनुमाई होगी मरीजों के लिए कि आपने फलाने फ़लाने स्पेशलिस्ट डॉक्टर से अपनी इस बीमारी के लिए रबा कायम करना है और दूसरी बड़ी जो प्रॉब्लम है कि जब ये जाहिर है डॉक्टर से मशवरा कर लेते हैं अपनी तश्ीस को पहुँच जाते हैं तो ज़ाहिर है आजकल प्राइवेट सेक्टर में जब डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो वहाँ पर उनकी थोड़ी फी का मसला आ जाता है फिर उसके बाद जो है जब वो अपनी मुख्तु किस्म के टेस्ट कराने के लिए जाते हैं उसमें उनको महंगाई का सामना करना पड़ता है तो मैं समझता हूँ कि इनकी बड़ी अच्छी काविश है कि ये लोगों को नहायत मुनासिब जो है ना नरखों पर जो है ना रत लेकर देते हैं टेस्टों के लिए फैसिलिटी ला कर देते हैं ताकि उनको जो है ना क्योंकि आजकल माशरे में महंगाई बहुत ज़्यादा है तो किसी किस्म की हेल्प जो है ना वो बहुत ही वेलकम है और मैं इनको बड़ी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि मरीजों की बड़ी मुनासब तरीक़े से रहनमई करें और ख़दमत करें जैसा मैंने अभी आपको अपना तारफ़ कराया कि मैं एक सर्जन हूँ और जाहिर है मैं हर तरह की सर्जरीज करता हूँ लेकिन आ, मैं बात करना चाहूँगा इस वक्त आ, उन सर्जरीज की जो कि बहुत कॉमन सर्जरीज इस वक्त जो है ना यहाँ पे लाहौर में हो रही हैं सबसे पहले आपने अपेंडिक्स की सर्जरी का नाम सुना होगा अपेंडिक्स एक ऑर्गन है जो कि छोटी आंत और बड़ी आंत के बिल्कुल जंक्शन पर मौजूद होता है और अक्सर बेशर इसमें इन्फेक्शन हो जाती है और हमें एमरजेंसी में इसके ऑपरेशन करने पड़ते हैं और इसको रिमूव करना पड़ता है दूसरा कॉमन ऑपरेशन जो हम करते हैं यहाँ पे वो हरनियास की ऑपरेशन है हरनिया इंसानी जिसम के अंदर नौ नौमुख्त जगहों पर हो सकते हैं और ये कहा जाता है कि करीबन इस दुनिया की तीन फ़ीसद आबादी को किसी ना किसी शक्ल में हरनिया की बीमारी मौजूद होती है तो जाहिर है ये भी बड़ी तादाद में ऑपरेशन करने पड़ते हैं और जब हरिया को ऑपरेशन करते हैं ये बुनियादी तौर पे एक फ़िज़िकल डिफेक्ट होता है जिसको करेक्ट करने के लिए हमें हमेशा उस पर एक जाली या मैश लगाना पड़ता है तो ये भी बड़े कॉमन है पाकिस्तान के अंदर और उसके बाद जो बहुत मोस्ट कॉमन प्रोसीजर हो रहा है वो है पत्ते में जो पथरी है उसके लिए जो पत्ते की सर्जरी की जाती है और आपको पता है कि चूंकि हमारी माशरे में गज़ा की तब्दीली की वजह से चूंकि हम चिकनाई का इस्तेमाल बहुत करते हैं फास्ट फूड का बहुत इस्तेमाल करते हैं और मीठे का और क्रीम्स का बहुत इस्तेमाल करते हैं तो उसकी वजह से अब हमारे माशरे के अंदर पत्ते की पथरी की तकलीफ जो है ना बहुत नुमायाँ तौर पर सामने आ रही है और बहुत ज़्यादा लोगों को ये शिकायत है पिते में पथरी की तकलीफ की या गॉल गॉलब्रेडर की इन्फेक्शन की तो ज़ाहिर है इसका भी हमें ऑपरेशन करना पड़ता है अब ये तीनों जो मोस्ट कॉमन ऑपरेशन मैंने आपको बताए हैं चाहे वो गॉल ब्रेडर का ऑपरेशन है पिते का ऑपरेशन है चाहे वो अपेंडिक्स का ऑपरेशन है चाहे वो हर्निया का ऑपरेशन है किसी ज़माने में सारी ओपन सर्जरी की जाती थी लेकिन अब जो है ये लेप्रोस्कोपिक सर्जरी यानी कि जो की होल सर्जरी है उसके साथ भी मुमकिन है और अब चूंकि हमारे मुल्क में रोबोटिक सर्जरी भी शुरू हो चुकी हुई है ये सारे ही ऑपरेशन रोबोटिक सर्जरी से भी कर लिए जाते हैं और इसके अलावा हमारे पास और जो बहुत बड़ी तादाद में मरीज आपको देखिए शुगर का मर्ज़ जो है ना वो बहुत कॉमन है शुगर की वजह से जब जख्म ख़राब होते हैं इन्फेक्शन होती है पाँव ख़राब होते हैं जिसमें जगह जगह पर इन्फेक्शन नमोदार होती है तो उसके सिलसिले में हमें जो जख्म की सफ़ाई करनी पड़ती है ये भी बहुत तादाद में हमारे पास मरीज़ आते हैं और हम ये चारों जो बीमारियाँ मैंने को बताया स्टेटस्टिकली ये मोस्ट कॉमन बीमारियाँ हैं जो हमारे पास आते हैं और ज़ाहिर हमने मोस्ट कॉमनली इन लोगों का इलाज करना होता है और इसी में सर्जन बहुत अच्छे तरीके से ट्रेन होते हैं ताकि हम अपनी पब्लिक को सर्विस प्रोवाइड कर सकें